हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू JDS एकेडमी। नाउ इस पार्ट्स में क्या डिस्कस करेंगे हम लोग फ्रेंड्स, व्हाई केरला हैज़ बेटर IMR इवन व्हेन लो पर कैपिटल इनकम, यानी केरला की IMR क्यों अच्छी है जबकि वहाँ की क्या है पर कैपिटल इनकम लो है। तो क्यों है? इट हैज़ एडिक्वेट नंबर ऑफ क्लिनिक, हॉस्पिटल वहाँ पे बहुत अच्छी मात्रा में हॉस्पिटल्स है, क्लिनिक है। केरला हैज़ गुड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी यहाँ की PDS सिस्टम क्या है बहुत अच्छी है। ये हमने ऑलरेडी आई थिंक PDS के बारे में आप लोगों को बता दिया है कि क्या होता है। बेसिकली ये राशन शॉप होता है, यहाँ से हम लोग राशन कार्ड के माध्यम से क्या करते हैं, फूड्स वगैरह कलेक्ट करते हैं या गवर्नमेंट के थ्रू जो दिया जाता है। थर्ड क्या है, इट हैज़ एडिक्वेट नंबर ऑफ स्कूल्स कॉलेजेस, अच्छे मात्रा में यहाँ पे क्या है स्कूल्स वगैरह भी हैं, कॉलेजेस वगैरह भी हैं, तो इसलिए क्या है केरला की IMR अच्छी है। नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या हमारा, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, इसे हम कैसे निकालते हैं कि वेट अपॉन में हाइट का स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए वेट हमेशा केजी में होना चाहिए और हाइट कैसी होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। अब इससे क्या पता चलता है कि अगर BMI आपकी मान लीजिए 18.5 से क्या आती है, लेस आती है, तो आप कैसे हैं अंडर न्यूट्रिशन है, यानी आप कुपोषित एक तरीके से कह सकते हो एविडेंटली। अगर 18.5 टू 25 के बीच में आती है तो आपकी कैसी है, हेल्थ नॉर्मल है, और अगर मान लो ग्रेटर देन 25 आता तो आप क्या हो, ओवर वेट हो। अब लास्ट हमारा इसमें क्या बचता है दोस्तों, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये क्या देखता है, एक तरीके से ये किसी कंट्री की बहुत सारी चीज़ों को बेस्ड करके माना जाता है, फिर जो कंट्रीज़ की क्या है रैंक दी कंट्रीज़ को रैंक दी जाती है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, पर कैपिटल इनकम। अगर मान लो किसी देश की SDI भी अच्छी है तो वहाँ पे क्या एजुकेशन भी अच्छा होगा, लिटरेसी रेट भी अच्छी होगी, वहाँ की ग्रॉस नेट इनकम भी क्या होगा अच्छा होगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है दोस्तों, इट इज़ एन एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी किसी बंदे की जो बर्थ के टाइम पे जो एक एज अनुमान लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इंडिया में कितनी है दोस्तों, एली 68 ईयर, और इंडिया की रैंक कितनी है SDI में 130, जबकि श्रीलंका की कितनी है 73 आउट ऑफ 188 कंट्रीज। श्रीलंका क्यों है अच्छी है, क्योंकि यहाँ की बेटर जो पीपल्स हैं वो एजुकेटेड हैं, यहाँ को हेल्थ कंडीशन अच्छी है एंड स्ट्रॉन्ग। अब लास्ट आता है हमारा टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आई थिंक आप 6th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो कि क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का बेटर यूज़ करना ताकि हम उसे फ्यूचर में भी क्या कर सके, यूज़ कर सके। नॉन रिन्यूएबल इसलिए क्योंकि ये दोबारा रिप्लेसिव नहीं होते, यानी अगर एक बार एक ख़त्म हो जाते हैं दोबारा से हम बना नहीं सकते। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर क्या होता है दोस्तों, फिनिश्ड। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच जाए। थैंक यू।